Students, welcome back to Soumya's conversation. So in this video we'll continue the chapter generally accepted accounting principles and basic principles हमने start कर दिए थे last video में. First two principles हमने complete कर दिए थे, ठीक है. First was the business entity concept and second was the going concern concept, ठीक है. तो अब इस video में हम आगे के principles को देखेंगे. तो बहुत ही ज़्यादा simple principles हैं, बहुत इसमें कुछ आपको ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, easy से है. So we'll continue the basic principles of accounting. Basic principles of accounting. तो दो principles हमने कर लिए थे पहले, ठीक है. अब हम third principle start करते हैं and third principle is ये basically concept है money measurement concept. तो money measurement concept ये क्या कह रहा है, देखिए. अगर आप इसकी ये जो टर्म है इसको आप समझो तो मनी की मेजरमेंट मतलब पैसे को आपको मेजर करना है, ठीक है. तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि दिस कॉन्सेप्ट इज सेइंग कि अकाउंटेंसी में आपको किसी भी ट्रांजैक्शन को मेजर करना है, किसी भी ट्रांजैक्शन को समझना है कि क्या वो मनी में पैसों में मेजर किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है. अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हो रहा है जिसका बिजनेस के पैसों पर कोई इफ़ेक्ट पड़ रहा है तो आपको उसको रिकॉर्ड करना है. इफ़ेक्ट क्या पड़ सकता है बिज़नेस के पैसे पे, या तो उस ट्रांजैक्शन से बिज़नेस का जो पैसा है जितना भी उसमें लगा है वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा, ठीक है. तो अगर कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन है जिससे मनी इफ़ेक्ट हो रहा है बिज़नेस का, उस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे एंड उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हम मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस कहते हैं, ठीक है. ऑन दी अदर साइड अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हो रहा है जिसका पैसों पर कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ रहा है, हम उस ट्रांजैक्शन को किसी भी तरीके से मेजर कर ही नहीं सकते पैसों के मामले में, तो उस ट्रांजैक्शन को हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे चाहे वो कितना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों ना हो, ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपके जो बुक में भी एग्जाम्पल यही दिया गया है कि अगर कोई कंपनी है एंड उसके चेयरमैन जो है उनका रिटायरमेंट हो रहा है, ठीक है. तो चेयरमैन रिटायर कर रहे हैं, तो अब अगर आप इस ट्रांजैक्शन को सोचो, इस चीज़ को सोचो कि चेयरमैन जो है वो रिटायर हो रहे हैं, ठीक है. बिजनेस में जो जो हो रहा है वही बिजनेस के ट्रांजैक्शंस हैं, चेयरमैन रिटायर हो रहे हैं, तो अब ये क्या है, क्या इस चीज़ को आप पैसों के मामले में मेजर कर सकते हो? चेयरमैन का रिटायरमेंट क्या पैसों के मामले में मेजर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो. ये तो क्या आप ये चीज़ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करोगे, ठीक है. लेकिन अगर चेयरमैन जब रिटायर कर रहे हैं और उनको हम जैसे कहते हैं ना रिस्पेक्ट में या फिर थैंक्स बोलने के लिए उनको हम जो बिज़नेस की तरफ से बुकेज दे रहे हैं, गिफ्ट्स दे रहे हैं, ग्रैट्यूटी दे रहे हैं, स्पेशली ग्रैट्यूटी जो दे रहे हैं, तो वो ग्रैट्यूटी जो है ये सब मनी में हम मेजर कर सकते हैं क्योंकि ये हम बिज़नेस के पैसे से ही उनको दे रहे हैं. तो अगर चेयरमैन का रिटायरमेंट हो रहा है केवल इतनी बात को देखा जाए तो दिस इज़ नॉट अ ट्रांजैक्शन टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. लेकिन यही ट्रांजैक्शन आपका रिकॉर्डेबल बन जाएगा, मनी के मेजर में बन जाएगा अगर आप इसको इस वे में देखो कि आपने चेयरमैन को ग्रेटिटी वगैरह पे करी है फ्रॉम द मनी ऑफ द बिजनेस. क्योंकि इस केस में अगर आप चेयरमैन को पेमेंट कर रहे हो, ग्रेटिटी दे रहे हो, ये सब चीज़ें दे रहे हो तो ये बिजनेस के पैसे पर इफेक्ट कर रहा है, वो बिजनेस के पैसे को कम कर देगा, ठीक है. सो दिस ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड. तो अगर आप देखो चेयरमैन के रिटायरमेंट को तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन भी है. अगर आप इसको समझो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका इवेंचुअली जो कंपनी है उसके बिजनेस के मनी पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है. कैसे? देखो अभी तक बिजनेस का एक चेयरमैन चल रहे थे, वो अपनी पॉलिसीज और उस तरीके से बिजनेस को चला रहे थे. नाउ ही इज़ रिटायरिंग एंड अब कोई नया चेयरमैन आएगा, ठीक है. अब वो बिजनेस में कुछ चेंजेस करेगा. अगर वो इनसे ज़्यादा इफिशियंट हुआ न्यू वाला चेयरमैन तो वो क्या करेगा, बिजनेस और ग्रो करेगा, ठीक है. अगर इनएफिशियंट हुआ तो बिजनेस का पैसा कम होने लगेगा. सो अगर आप इस केस को लेकर चलो चेयरमैन के रिटायरमेंट को तो तीन चार चीज़ें आपके सामने आती हैं. पहला ये कि चेयरमैन का रिटायरमेंट जो है उसको मनी में मेजर कर नहीं सकते हैं. चेयरमैन के रिटायरमेंट में अगर हम कोई ग्रेटुटी वगैरह पे कर रहे हैं फ्रॉम द मनी ऑफ द बिजनेस तो ये मॉनेटरी हो जाएगा, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि यहाँ बिजनेस के पैसे पर इफेक्ट हो रहा है. लेकिन अगर हम इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को देखना चाहें कि चेयरमैन का रिटायरमेंट कितना इंपॉर्टेंट है तो मनी से रिलेटेड अगर हम इसको देखें तो ये इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज चेयरमैन के रिटायरमेंट से बिजनेस के मनी पर इफेक्ट पड़ सकता है अगर हम उसको लॉन्ग टर्म में देखें और इस तरीके से देखें कि हर पर्सन अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, ठीक है. न्यू चेयरमैन एफिशिएंट हो सकता है या इनएफिशिएंट हो सकता है फ्रॉम द प्रीवियस चेयरमैन. तो ये एक ट्रांजैक्शन. अब इस केस में एक अकाउंटेंट को क्या करना चाहिए, बीइंग एन अकाउंटेंट ही शुड ओनली रिकॉर्ड दैट ट्रांजैक्शन व्हिच इन्वॉल्व्स द पेमेंट ऑफ मनी,
ठीक है, जिसमें वो ग्रेटुटी पे करी जा रही है चेयरमैन को, वही ट्रांजैक्शन को वो रिकॉर्ड करेगा बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी मेजरमेंट। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट यही कह रहा है कि चाहे कोई ट्रांजैक्शन कितना ही क्यों ना इंपॉर्टेंट हो, चेयरमैन का रिटायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, सीइंग के एफिशिएंट या इनएफिशिएंट चेयरमैन आएगा या वो अच्छे से चला रहे हो बिजनेस को, इन चीज़ को देखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है, बिजनेस लिए बहुत चेंजेस हो सकते हैं इसके बाद, बट वी विल नॉट रिकॉर्ड दिस बिकॉज इसको हम मनी मेजर कर नहीं सकते। क्या आप बता सकते हो कि चेयरमैन के रिटायरमेंट से बिजनेस के कितने पैसे पे इफेक्ट पड़ेगा? आपको नहीं पता है। इट डिपेंड्स कि नया चेयरमैन कैसा आएगा, मे बी बिजनेस और फ्लरिश कर जाए, मे बी बिजनेस डूब जाए, ठीक है। तो दिस डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, सिनेरियो पे डिपेंड कर रहा है, बट हमें क्या है, हमें फैक्ट्स लेकर चलने हैं, ठीक है, जो रियलिटी में हो रहा है। पेमेंट क्या हुई, ग्रेटिटी की पेमेंट हुई, उसको रिकॉर्ड कर लो, बाकी और कुछ नहीं करना है। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट यही कह रहा है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसको हमें एनालाइज करना है, मनी में मेजर कर सकते हैं कि नहीं, अगर कर सकते हैं तो उसको रिकॉर्ड करो वरना मत करो, यही कह रहा है। अब एक और चीज़ यहाँ पर मनी के बारे में आपको बताया गया है कि मनी जो है वो एक कॉमन डिनोमिनेटर है। क्या है? कॉमन डिनोमिनेटर। अब ये आपका एग्जाम में आ सकता है कि कॉमन डिनोमिनेटर क्यों बोला गया है मनी को। देखो क्या है ये कॉमन और डिनोमिनेटर, क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि आप किसी भी चीज़ को देखो, अगर आपने आप सब ने साइंस वगैरह सब पढ़ी है, ठीक है, आपसे अगर बोला जाए कि एक लीटर पानी और एक किलो पोटैटोस कितने हुए, एक लीटर पानी आपके पास है और एक किलोग्राम के पोटैटोस हैं, तो ये कितना हो गया, तो आप क्या इसको ऐड कर सकते हो? ठीक है, आप इस चीज़ को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इनकी यूनिट्स अलग है। वाटर को आप लीटर्स में मेजर कर रहे हो एंड पोटैटोस को आप किस में, केजी में मेजर कर रहे हो, ठीक है, तो यह आप नहीं ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आप बाहर गए, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक लीटर वाटर की जगह एक लीटर जूस की बात करते हैं, जब आप जाते हो बाज़ार में सामान लेने एंड वहाँ से आप एक लीटर जूस खरीद रहे हो और एक केजी पोटैटोस खरीद रहे हो, तो आप उसको ऐड कर सकते हो। कैसे ऐड कर सकते हो? मनी के पर्सपेक्टिव से। एक लीटर जूस अगर आपको 100 रुपीज़ का पड़ा एंड एक केजी पोटैटोस 50 रुपीज़ के पड़े, तो आप उसको ऐड कर सकते हो 150, तो आप टोटल बता दोगे कि 1 लीटर ऑफ जूस प्लस 1 kg ऑफ पोटैटोस इज इक्वल्स टू 150 रुपीज़, ठीक है, अगर आप रुपीज़ में मेजर कर रहे हो। तो मनी एक कॉमन डिनोमिनेटर है। बिजनेस में भी देखो, बिजनेस में कई सारी चीज़ें होती रहती है, रॉ मटेरियल आते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल हम परचेज करते हैं, बाकी कई सारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, बिजनेस के असेट्स होते हैं, लैंड होती, बिल्डिंग होती है। अगर वैसे आप देखो तो इन सब चीज़ों को आप कैसे ऐड कर सकते हो? ओनली बाय कंसिडरिंग दैम इन टर्म्स ऑफ मनी। आप उसको पैसे के उसमें माप के, कितना वो पैसे के बराबर, वो कितनी वैल्यू है उसकी रुपीज़ में, उससे आप उसको अंदाज़ा लगा कर ही कैलकुलेट कर सकते हो। हम कहते हैं ना कि बिजनेस के पास 20 लाख की प्रॉपर्टी है, ठीक है, बिजनेस के पास 10 लाख के असेट्स बचे हुए हैं, ठीक है, बिजनेस के पास 50,000 के रॉ मटेरियल्स हैं, तो ये क्या है? हम रॉ मटेरियल में क्या लिक्विड चीज़ें, सॉलिड चीज़ें, हर टाइप की चीज़ें होंगी, बट वी कैन मेजर इट इन टर्म्स ऑफ मनी। तो वही बोला गया कि अगर मनी आपके क्वेश्चन में आए कि मनी इज अ कॉमन डिनोमिनेटर, तो इसका यही आपको लिखना है कि कई चीज़ों को जो भी बिजनेस के अंदर हैं, ये रॉ मटेरियल है, फिक्स्ड असेट्स है, लैंड बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें हैं, वी कैन नॉट मेजर देम, बट वी कैन मेजर देम इन अ कॉमन डिनोमिनेटर, इन अ कॉमन यूनिट विच इज़ मनी, ठीक है, मनी में उसको मेजर कर सकते हैं, एंड इसीलिए मनी को जो है कॉमन डिनोमिनेटर बोला गया है। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट यही कहता है। तो सिंपल सी बात अगर इसको समराइज़ करा जाए तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट यही है कि ट्रांजैक्शन कोई भी हो रिकॉर्ड तभी करोगे जब वो उसको हम पैसे के मामले में मेजर कर सकते हैं, और मनी एक कॉमन डिनोमिनेटर होता है क्योंकि अलग अलग चीज़ों को ऐड करने के लिए ये एक कॉमन यूनिट की तरह काम करता है, और जिन यूनिट्स को हम नॉर्मली ऐड नहीं कर सकते हैं उनको भी हम ऐड करवाएंगे इफ़ वी कंसिडर देम इन टर्म्स ऑफ देयर वैल्यूज़ इन मनी, ठीक है। तो ये आपका मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट था। अब अगर हम फोर्थ कॉन्सेप्ट पर आते हैं, देन फोर्थ वन इज सेइंग अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अकाउंटिंग पीरियड, अब अकाउंटिंग पीरियड तो ऐसा टर्म है जो आप 9th class से ही सुने आ रहे हो। अकाउंटिंग पीरियड क्या कहता है? अकाउंटिंग पीरियड यही है कि कोई भी बिजनेस है तो उसका एक होता है अकाउंटिंग ईयर, उसका एक होता है अकाउंटिंग ईयर, और ये अकाउंटिंग ईयर मतलब 12 months का टाइम पीरियड जो है ये आपका 1st January से नहीं स्टार्ट होता है, ये आपका 1st April से स्टार्ट होता है एंड ये चलता है आपका 31st March तक, ठीक है। ये आपको पता है कि दिस इज़ वन अकाउंटिंग पीरियड, ये एक बिजनेस का एक अकाउंटिंग पीरियड बोला गया है, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या कहता है? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि कोई भी बिजनेस है,
अगर जनरली जितने भी बिजनेस है वो यही फॉलो करते हैं, उनका एक अकाउंटिंग ईयर होता है, वो अपने जितने भी चीज़ें बिजनेस में हो रही होती हैं उन सबको एक साल तक के लिए करते हैं, सारा बिजनेस एक साल करते हैं, एंड जब वो एक साल ख़त्म होता है ऑन दिस डे 31 मार्च के दिन वो अपने अकाउंट्स बनाते हैं, ठीक है, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। साल भर तो वो जर्नल लेजर ये सब बनाते हैं, एंड में 31 मार्च को वो अपने फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, जिससे वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को पता कर सकते हैं। अब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैसे पता करते हैं? फ्रॉम द ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, एंड अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजिशन को पता करते हैं, किस वाले स्टेटमेंट से? बैलेंस शीट से, ठीक है। तो ये दोनों काम, प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को पता करना एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बिजनेस की है उसको कैलकुलेट करने का काम वो बिजनेस करते हैं 31 मार्च को, और फिर 1 अप्रैल से नेक्स्ट डे से वो अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ को वैसे ही कंटिन्यू करते हैं। जैसे ही वो अकाउंटिंग पीरियड खत्म होता है वो फिर से अपने नेट प्रॉफिट या नेट लॉस और फाइनेंशियल पोजिशन को कैलकुलेट करने बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है, अकाउंटिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट क्यों बनाया गया? देखो, अगर आप सेकेंड कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ा है बेसिक प्रिंसिपल्स में उस पर जाओ तो वो है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट यही कहता है कि कोई भी बिजनेस है तो वो इनडेफिनेटली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चलता जाएगा, ठीक है। उसको हम यही अज्यूम करके चलेंगे कि बिजनेस कई सालों तक चलेगा, ठीक है। अगर हम ये अजम्पशन नहीं करेंगे देन बिजनेस एक्टिविटीज हैम्पर हो जाएंगी एंड कोई भी बिजनेस में इन्वेस्ट करने की कोशिश नहीं करना चाहेगा, ठीक है। तो अब अगर आप इस गोइंग कंसर्न को इस कॉन्सेप्ट से मिला के देखो तो क्या कह रहा है कि चलो बिजनेस को हमने मान लिया, अज्यूम कर लिया कि वो कई साल तक चलेगा, कुछ के लिए 10 साल, कुछ के लिए 50 ईयर्स, तो ऐसे चलता है, एंड कई बिजनेस जो हज़ारों सालों से भी चले आ रहे हैं, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि क्या हम बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? देखो, कोई भी बिजनेस अगर कर रहा है तो वो प्रॉफिट के लिए ही करता है। ये बेसिक आपके बिजनेस की डेफिनेशन में भी ये टर्म आपका इंक्लूडेड है कि जितनी भी एक्टिविटी ये सब हो रही है वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए हो रही है, ठीक है। तो बिजनेस ये जो प्रॉफिट अर्न कर रहा है, तो अगर हम ये सोच के चल रहे हैं कि बिजनेस इनडेफिनेटली फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम चलेगा, तो हम प्रॉफिट क्या एंड में कैलकुलेट करेंगे जाके? जब बिजनेस को हम क्या करेंगे? डिसॉल्व करेंगे एंड में। जब बिजनेस को हम करेंगे डिसॉल्व, डिसॉल्व का क्या मतलब होता है? एक और टर्म है लिक्विडेशन ऑफ बिजनेस, लिक्विडेशन ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस की लिक्विडेशन हो जाना या बिजनेस का डिसॉल्व हो जाना, इसका मतलब ये है कि बिजनेस को अब पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है एंड अब उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं होगी। तो डिसोल्यूशन ऑफ द बिजनेस या लिक्विडेशन ऑफ बिजनेस का मतलब होता है बिजनेस एक्टिविटीज़ पूरी तरीके से बंद हो जाना, ठीक है। ये कब होता है? जब बिजनेस खुद डिसाइड करेगा, ठीक है। मतलब कि अगर आप किसी भी बिजनेस को देखो, अगर आप कंपनी को देख के चलो, तो उसका डिसोल्यूशन का प्रोसेस पूरा होगा एंड जब वो डिसॉल्व हो जाएगा देन वो कंपनी एग्जिस्ट नहीं करेगी बिल्कुल भी, ठीक है। तो अब अगर हम ये सोच के चल रहे कि बिजनेस बहुत लंबे पीरियड के लिए चलेगा फ्रॉम द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, तो उसको फिर जब वो डिसॉल्व करेगा तब तक हम वेट करेंगे, जब डिसॉल्व करने का टाइम आएगा कि अब बिजनेस को हमें बंद करना है तो हम प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करेंगे। बट आपको क्या लगता है कि आज जो लोग बिजनेस में पैसे लगा रहे हैं, आज जो बिजनेस के सप्लायर्स हैं, आज जो बिजनेस सेल परचेज कर रहा है, ये सब वो 50 साल के बाद या 100 साल के बाद या 200 साल के बाद अगर कैलकुलेट करेगा तो क्या ये किसी के लिए भी इम्पोर्टेंस रहेगा? इसका नहीं रहेगा, ठीक है। बिकॉज मैक्सिमम तो यूज़र्स जो आपने यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टर्म पढ़ा है, जो यूज़र होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, आप अगर जनरली आप नॉर्मल वे से सोचो देन बिजनेस में जो ओनर है बिजनेस का, वो बिजनेस कर रहा है प्रॉफिट के लिए, वो 200 साल तक वेट करेगा कि उसके बिजनेस का प्रॉफिट कितना हुआ? नहीं वेट करेगा। जो बिजनेस में जिसने शेयर्स खरीदे इन्वेस्ट करा है वो वेट करेगा कि उसको कब उसको डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट वगैरह मिलेगा वहाँ से, ठीक है। तो इसके लिए वो इतने सालों तक वेट नहीं करेगा। दिस इज़ ऑफ नो यूज़ फॉर द यूज़र्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो इसलिए क्या किया गया कि बिजनेस की जितनी भी पूरी लाइफ टाइम है हमें नहीं पता कब तक चलेगा, बट वी हैव ब्रोकन इट इनटू डिफरेंट सेम सेक्शंस में हमने ब्रेक कर दिया पूरी बिजनेस की लाइफ साइकिल को, ठीक है। तो बिजनेस अगर आपका आपने सोचा है कि ये 100 साल तक चलने वाला है, तो हमने क्या कर दिया, एक 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 ईयर का 12 मंथ्स का वो बना दिया एंड इस एक ईयर को हमने बोल दिया 1 अकाउंटिंग ईयर, फिर ये आपका एक ईयर, ये 1 अकाउंटिंग ईयर। अब जब तक चलना है चले, ठीक है, हमें तो नहीं पता कब तक चलेगा। तो इसलिए अब ये जो 1 अकाउंटिंग ईयर बन गया है, तो हम क्या करेंगे कि हम इस पर्टिकुलर पीरियड में, एक अकाउंटिंग पीरियड में, अपने ट्रांजैक्शंस जो जो हमने करे उसके बेसिस पे प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे और फाइनेंशियल पोजीशन चेक करेंगे एंड जिसको भी यूज़र को जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यही बोला गया है कि सिंस हम बिजनेस को लंबा चलता हुआ मानते हैं फ्रॉम द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, हमने क्या किया, बिजनेस को कुछ पीरियड्स में डिवाइड कर दिया। 12 मंथ्स का जो पीरियड बनाया, 1 ईयर का पीरियड बनाया,
एंड ये पीरियड स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और इस पीरियड में बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं एंड ऑन द लास्ट डे 31 मार्च के दिन हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस और ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट यही कह रहा है। अगर आपसे पूछ ले कोई क्यों अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो गोइंग कंसर्न से रिलेटेड वाला, ठीक है। अगर आपसे पूछा अकाउंटिंग पीरियड होता क्या है, तो आपने ये भी बता दिया। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो अकाउंटिंग पीरियड है, वन अकाउंटिंग पीरियड का टाइम पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च, ये आपका टैक्स लॉज में बताया गया है। किसमें? टैक्स लॉज। तो मे भी आपका अगर ऑब्जेक्टिव कुछ आ रहा है, तो टैक्स लॉज में ये वन पीरियड जो बिजनेस का होता है, इसको इसके बारे में बताया गया कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 अप्रैल एंड कंटिन्यूस टू 31 मार्च। तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में आपको यही बताया गया है। अब इसके अलावा क्या बताया गया है कि अकाउंटिंग में अकाउंटिंग पीरियड इज़ यूजली 1 ईयर एंड अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ ईच ईयर, ताकि जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज़ हैं वो बिजनेस की प्रोग्रेस को जज कर पाएँ। एंड दिस अजम्पशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बट अभी आपको समझ नहीं आएगा कि दिस अजम्पशन रिक्वायर्स दैट एक्सपेंडिचर हुज बेनिफिट विल अक्रू ओवर अ लॉन्ग पीरियड शुड बी अपोर्शन्ड सूटेबली ओवर ईच ईयर। तो ये क्या कह रहे हैं कि कोई एक्सपेंडिचर जो बहुत ही लंबी, सिंपल सी भाषा में ये कह रहे हैं कि कोई अगर खर्च बिजनेस कर रहा है, ठीक है, कोई सामान खरीद रहा है, ठीक है, एकदम सिंपल भाषा में भी आप नहीं समझ पाओगे ये चीज़, आप 11th 12th में समझोगे कि कोई भी अगर एक्सपेंडिचर, कोई एक्सपेंस, कोई खर्च कर रहा है बिजनेस, मतलब वो किस तरीके हो सकता है, कुछ सामान उसने खरीदा होगा, कुछ लैंड खरीदा होगा, कोई मशीनरी खरीदी होगी, कोई असेट खरीदा होगा, वो एक्सपेंडिचर अगर कई सालों तक वो यूज़ करने वाला है, वो एक्सपेंडिचर जो है वो कई सालों तक अगर रहने वाला है, चलेगा, वो एक्सपेंडिचर का बेनिफिट हमें मिलेगा, मतलब आज हमने जो खर्च करा उसका बेनिफिट हमें कई सालों तक अगर मिलने वाला है, तो उसमें भी ये अकाउंटिंग पीरियड का कॉन्सेप्ट में हमें उसको अपोर्शन करना रहता है। अब आपको नहीं समझ आएगा ये चीज़, ये क्या है, ये आप पढ़ोगे बड़े क्लासेस में, डेप्रिसिएशन और ये सारी चीज़ें होती हैं, एस्टिमेशन जिसमें बताया गया है, तो ये सब आप बड़े क्लासेस में पढ़ोगे एंड दिस इज़ ऑफ नो नीड। अभी एट 10th लेवल के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे कुछ नहीं आने वाला आपका, बस आपको अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग पीरियड होता क्या है, कब से कब तक होता है, टैक्स लॉज में बताया गया है, क्यों किया गया, फ्रॉम ये गोइंग कंसर्न वाला आपको जो एक्सप्लेनेशन बताया गया वो आप लिख दोगे, ठीक है। सो इतना ही अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट में है। सो दिस वीडियो एंड्स हियर, दो कॉन्सेप्ट हमने कर लिए हैं। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। तो बेसिकली देखो, एक चीज़ समझ लो, जितने भी प्रिंसिपल्स आपको बताए गए, ये 10 प्रिंसिपल्स हैं आई थिंक, हाँ ये 10 प्रिंसिपल्स हैं, जिसमें से स्टार्टिंग के 4 कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, दे आर ऑल्सो प्रिंसिपल्स बट वो कॉन्सेप्ट है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जब आप आंसर राइटिंग करोगे एग्जाम में, तो बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल नहीं लिखना है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट लिखना है। स्टार्टिंग के 4 जो हैं, बिजनेस एंटिटी, ग्रोइंग कंसर्न, मनी मेजरमेंट एंड अकाउंटिंग पीरियड, इन 4 में आपको कॉन्सेप्ट वर्ड यूज़ करना है टाइटल में। एंड उसके बाद जो आपके 6 और रहेंगे, उन सब में आपको प्रिंसिपल टर्म यूज़ करना है, ठीक है। जैसे कि आपका आगे क्या है, मैचिंग प्रिंसिपल, डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल, ठीक है, कंप्लीट डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। तो आगे के 6 आपके प्रिंसिपल्स हैं एंड ये 4 आपके कॉन्सेप्ट है। सो दिस थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड वाइल राइटिंग द आंसर्स फॉर द एग्जामिनेशन। तो इतना हो गया इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैचिंग प्रिंसिपल पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड डुअल एस्पेक्ट प्रिंसिपल को भी देखेंगे, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टडी हार्ड, कोई भी डाउट्स हैं कुछ भी है, then do ask in the comment section and God bless you all.